और इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति को मेरा शत शत नमन। श्री वीर दुर्गादास जी की जयंती के दिव्य अवसर पर मैं आप सभी का खीमसर की पावन धरती पर स्वागत करती हूँ। वीर दुर्गादास जी की त्याग, बलिदान, संघर्ष, शौर्य और समर्पण और निष्ठा की गाथाएं तो हमारे मारवाड़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। लेकिन जब मैं उनकी जीवनी पढ़ रही थी, तब उनके चरित्र की एक बात मेरे मन में घर कर गई, और वह है उनकी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य परायणता। कहा जाता है कि जब वीर दुर्गादास जी भोजन ग्रहण करते थे, तो वह अपने घोड़े पे अश्व पे सवार होके भोजन ग्रहण करते थे, ताकि जब भी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए बुलावा आए, तो थोड़ा भी समय व्यर्थ किए बिना, थोड़े भी क्षण व्यर्थ किए बिना वह मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रह सके। उनके चरित्र का ये भाग बड़ा ही प्रेरणादायक है, और हमारे युवाओं को इससे जरूर ही प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा ही मूल्यवान है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि हमें हमारे वीरों को, हमारे योद्धाओं को अगर सच्चे मन से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो हमें समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना होगा। और ये कैसे संभव है? युवा पथ, प्रगति पथ पे जो युवा चल पड़ा है, उसका सहयोग देकर, मातृशक्ति को प्रोत्साहन देकर, और समाज से जाति भाव और भेदभाव की भावनाओं को मिटाकर ही होगा हमारी धरती का नवनिर्माण। यही कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, और खीमसर परिवार की, राज परिवार की कुल वधु होने के नाते मैं आप सभी का खीमसर की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करती हूं और हृदय पूर्वक प्रणाम करती हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार पुनः अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में आज के इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। केवल और केवल छात्रावास, छात्रावास का निर्माण, छात्रावास को कैसे नागौर में और पूरे राजस्थान में ऊंचाइयों तक ले जाएं, और दुर्गादास जी का समर्पण किस प्रकार का रहा, इस पर चर्चा करें। पर आज के कार्यक्रम में तीन बातें मैं विशेष तौर पर, क्योंकि मैं भी उम्र की दहलीज पे 70 साल पार कर चुका हूं, इसलिए जो भी मेरी उम्र के हैं और मेरी उम्र से बड़े हैं और उनको लगे कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो उनके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त बुलाए पर जाने का दिल ना करे, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। बिना वजह अगर मस्ती करते बच्चों पर गुस्सा आ जाए, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। पत्नी की सहेलियों के जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आने लगे, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। धमाल मस्ती वाली फिल्मों की अगर आलोचना करने लगे, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। अगर मस्त महफिल जमी हो और उस दौरान दोस्तों को मशविरा देने लग जाए, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। हर बात में युवाओं के फैशन पर टिप्पणी करने लगे, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। फूल पर गुनगुनाते भंवरे को देखकर अगर कोई रोमांटिक गाना याद ना आए, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। रेस्तरा में खाना खाते समय अगर घर के खाने की तारीफ करने लगे, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। बेफिक्री छोड़कर अगर सर पर चिंता की टोकरी उठाकर चल रहे हो, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। बारिश हो रही हो और पकौड़ा की जगह अगर छाता याद आए, तो समझ लो कि बूढ़े हो गए हैं। और उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होना है, जुड़ियां चेहरे पर पड़ती है पर दिल पर नहीं पड़ती। इसलिए जो भी 70 साल से ऊपर के हैं खीवसर में और आज इस कार्यक्रम में, कृपया मेहरबानी करके कभी अपने आप को आईने के सामने जब खड़े हो, या परिवार के बच्चे जो आपसे उम्र में छोटे हो, उनके सामने कभी ये मत कहना कि मैं बूढ़ा हो गया हूं।
धन्यवाद।